यूनिटेस्ट नंबर फाइव स्टैंडर्ड इलेवन जनरल स्ट्रीम की तो यहां पर इन्हें इस बार तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है जहां पर इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड बीए की एग्जाम इस बार आने वाली है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप गुजरात बोर्ड से हैं तो पिछले कुछ टाइम से हमारी यूनिक टेस्ट जुलाई देन देन सब्जेक्ट्स की ली गई हैं एंड अगेन फॉर करेंट मंथ ऑफिशियली माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई न्यूजी फोर आवर्स पहले आ चुके हैं तो वीडियो फिर इतनी लेट क्यों सो फ्रेंड्स जो भी न्यूज ऑल ओवर यूट्यूब पर अवेलेबल है वो गुजराती में है इवन द ऑफिशियल लेटर विच वॉज स्कैम फ्रॉम गुजरात बॉर्ड इज ऑल्सो इन गुजराती सो वॉट अबाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जिन्हें अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन चाहिए सो फ्रेंड्स डोंट वरी अबाउट दैट यहाँ पर आप सभी के लिए यानी कि स्टैंडर्ड नाइन टू ट्वेल्व स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप ही की लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ यूनिट टेस्ट फाइव डिसम्बर मंथ की जो यूनिट टेस्ट है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ इसका टाइम टेबल जहां पर हम जानेंगे आज के वीडियो में कि भाई कौन कौन सी डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम है वो होने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट किया जाए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जैसे कि ऑफिशियल लेटर में आपने देखा होगा कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो सभी की सभी गुजराती में है तो आपके हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट कर दी है यहां पे इन्फॉर्मेशन को जहाँ पहली इंफॉर्मेशन है कि be यूनिट यूनिट टेस्ट होने वाली है वो 28 दिसंबर से लेके 2 जनवरी के, के बीच में होगी सेकंड इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स विल रिसीव क्वेश्चन पेपर्स ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी एट इलेवन ओ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमें 28 दिसंबर को सुबह ग्यारह बजे मिल जाएंगे हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में ज्यादातर सॉफ्ट कॉपी में यानी कि पीडीएफ फॉर्म में ही हमें मिलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स यूनिट टेस्ट के थर्ड इन्फॉर्मेशन है

gseb.org on 28th december 2020 so that students or parents can easily get question papers yahan pe 28 december 2020 ko jo board ki official website hai www.gseb.org wahan par bhi jo aapke question papers hain wo upload kar diye jayenge taki easily aap wahan se bhi download कर सकें अब फ्रेंड्स बोला तो ये हर बार गया है लेकिन कभी होता नहीं है चलो देखते हैं कि इस बार क्या होता है

प्रिंसिपल तक पहुंचाने होंगे कि स्कूल में आपको सबमिट करवाने होंगे साथ ही साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है दो नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल दे विल सेंड आंसर्स इन सॉफ्ट कॉपी मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है या फिर आउट ऑफ स्टेट है तो वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में यानी कि सॉफ्ट कॉपी में भी अपने जो आंसर्स है वो स्कूल में भेज सकता है सो so फ्रेंड्स यहाँ पे ये थे कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि ऑफिशियल सर्कुलर के अंदर दी गई थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट किया एंड आपको बताया सो so फ्रेंड्स मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ आप भी अपना एफर्ट कीजिएगा और लाइक बटन नीचे जो दिया हुआ है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चलिए आगे बात की जाए टाइम टेबल की लेकिन टाइम टेबल की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कि यहां पर ये जितने भी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं इनका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन बहुत ही कम अवेलेबल होता है यूट्यूब पे लेकिन हमारे चैनल पे आपको ये मिल जाएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ताकि जो भी आंसर की अपलोड की जाए वो सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पे यूनिट टेस्ट नंबर स्टैंडर्ड के सिलेबस से सो so, फ्रेंड्स पर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की एग्जाम यहाँ पर होने वाली है स्टैंडर्ड नाइन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर मंथ एंड नवम्बर मंथ का सिलेबस जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले अक्टूबर मंथ की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर सेवन ट्राइंगल जो है ये पूछा जाएगा मैथ्स में वन है चैप्टर नंबर इलेवन कंस्ट्रक्शन सो मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर सेवन एंड चैप्टर नंबर इलेवन जो है वो हमें प्रिपेयर करना है साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चैप्टर नंबर टेन में ग्रेविटेशन फ्री फॉल मास एंड वेट पूछा जाएगा एंड चैप्टर नंबर फिफ्टीन जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सिस एंड इंप्रूवमेंट इन क्रॉप ये इतना हमें पूछा जाएगा ये फ्रेंड्स हमने बात की स्टैंडर्ड नाइन के सिलेबस की जो कि यूनिट टेस्ट नंबर फाइव यानी डिसंबर के यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा उसके बाद बात की जाए स्टैंडर्ड टेन के सिलेबस की तो यहां पर फ्रेंड्स अगेन मैथ्स पूछा जाने वाला है और यहां साइंस नहीं आने वाला है बल्कि यहां पर पूछा जाएगा आपका यानी कि सोशल साइंस पर अक्टूबर एंड मंथ के सिलेबस की अगर बात की जाए तो मैथ्स में चैप्टर नंबर पर आएगा एंड नवंबर मंथ में चैप्टर नंबर फोर क्वेडरिक इक्वेशन जो है वो आने वाला है साथ ही साथ चैप्टर नंबर टेन सर्कल्स जो है यानी कि चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर फोर एंड चैप्टर नंबर टेन

नंबर फाइव सिलेबस मैंने आपको यहां पर बताया जहां पर मैथ्स में चैप्टर नंबर सिक्स फोर एंड टेन एंड एस एस टी के अंदर चैप्टर नंबर सिक्स ट्वेंटी एंड एटीन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए यूनिट टेस्ट नंबर स्टैंडर्ड जनरल स्ट्रीम की तो यहाँ पर इन्हें इस बार तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है जहां पर इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड बीए की एग्जाम इस बार आने वाली है सो फ्रेंड्स इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जैसा कि हमें आता है इंग्लिश मीडियम के अंदर सो so यहाँ पर हॉर्नबिल बुक से हमें चैप्टर नंबर सिक्स द ब्राउनिंग वर्जन एंड पोएम नंबर फोर चाइल्डहुड पूछा जाएगा यूनिट टेस्ट नंबर फाइव में

आगे बात की जाए स्टैंडर्ड ट्वेल्थ जनरल स्ट्रीम की तो यहां पर इन्हें भी तीन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कि स्टैंडर्ड में थे इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड बीए वो की टेक्स्ट बुक है, 12, की, उसमें रोड साइड स्टैंड पूछा जाएगा इस बार इकोनॉमिक्स की अगर बात करता हूं सो चैप्टर नंबर फोर बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी एंड चैप्टर नंबर फाइव पॉवर्टी जो है वो प्रिपेयर करना होगा लास्ट वन बी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चैप्टर नंबर सिक्स डिरेक्शन एंड चैप्टर नंबर सेवन कंट्रोल जो है वो इस बार हमें पूछा जाने वाला है मैं अगेन फ्रेंड्स यहां पर रिपीट करता हूं कि जितने भी पेपर्स इस बार यूनिट टेस्ट नंबर फाइव में आएंगे यहां पर सारे के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब सो so फ्रेंड्स यही थी यहाँ पर कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेश जो कि मुझे लगा कि आप तक शेयर करनी चाहिए काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स थे कि सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो यूनिट टेस्ट फाइव का सिलेबस आया हुआ या फिर जो भी इंफॉर्मेश्स आई है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए सो मैंने भी यहाँ पे समझा जरूरी की नहीं इनके लिए भी कोई वीडियो बनानी चाहिए सो so फ्रेंड्स बस तो ये थी यहाँ पर मेरी कुछ छोटी सी एफर्ट होप्स हो कि यहाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको समझ में आ गई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर लाइक करना बिल्कुल भी, भी ना भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा बस तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम